नमस्कार, मैं हाँ चरणप्रीत कौर। तुसी वेख रहे हो KRT न्यूज़। पंजाब विच काफ़ी समय के इंतज़ार तो बाद बारिश जिहड़ी है वह वेखण नूं मिली, जिस कारण मौसम का जिहड़ा तापमान है काफ़ी हद तक गिर गया। इस हफ्ते जिहड़ी 15 नवंबर नूं बारिश होई सीगी, उसके कारण कई जगहों पर मध्यम बारिश वेखण नूं मिली, उत्थे ही कई जगहों पर ओले भी वेखण नूं मिले। जे मैं गल करा इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते पंजाब विच कई जगहां जिहड़ियां खुश्क रहणगियां, अते तराई इलाकियां विच हजे भी यह जिहड़ा आ ओह प्रडिक्ट किया जा रहा है कि 20 से 21 नवंबर तक हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इस बारिश कारण जिहड़ा तापमान आ ओह 2 से लेकर 4 डिग्री सैल्सियस तक गिर चुका है। की असर इस मौसम का पवेगा, इस बारिश का की असर किसानां ते किसानां दी खेती ते पवेगा, ये सब दसणगे सानू खेतीबाड़ी विभाग दे डॉक्टर अमरीक सिंह जी। जिवें कि पिछले दिन जिहड़ी बारिश होई है, इहदे नाल खेती पशुआं नूं ते ह्यूमन बीइंग नूं बहुत ज़्यादा राहत मिली है, क्योंकि पिछले समय दौरान जिहड़ा प्रदूषण जिहड़ा हवा दे विच बहुत ज़्यादा ही, खास करके दिवाली वाली रात ते जिहड़ा प्रदूषण ही ओह जे देखिए ते अमृतसर के ज़िले में सब तो वध 345 जो एयर क्वालिटी इंडैक्स ही, पठानकोट के 200 से 250 के बीच सीगा उदन। पर उस खतरा ये सीगा कि प्रदूषण के नाल जिहड़ा वा बीमारिया का फैलन का डर, जो कोरोना की चलती पई है वो जो फैलन का डर है, पर जी बारिश पैन के नाल जिहड़ा वा प्रदूषण एकदम जिहड़ा वा हटा घट गया ही, तो हुण जिहड़ा वा प्रदूषण हटा जिहड़ा क्वालिटी इंडैक्स आ वो 50 से 75 के बीच चलता पाया, जिहड़ा कि मनुख वास्ते, पशुओं वास्ते, पंछियों वास्ते ते फसलों वास्ते बहुत ही वधिया वा। सो इहदे नाल एक फायदा एक सानूं होया है, होया कि जिहड़ी कणक बीजी गई ही, कणक बीजन दे नाल जिहड़ी उहनूं पाणी जिहड़ी पाणी लाउणा सीगा वो जिहड़ा पाणी एक बच गया, तो उहदे नाल जिहड़ा वा बिजली की खपत जिहड़ी वह भी काफ़ी घट गई, तो जिहड़ी बिजली जिहड़ी पावर कारपोरेशन जिहड़ी आ उहनूं काफ़ी राहत मिली है। सो ये जिहड़ा खास करके बरानी एरिया जिहड़ा वा, बरानी एरिए जी फसल जी काफ़ी जी कणक की फसल जी लगभग 19,000 हैक्टेयर रकबा जिहड़ा वा वो बीजा जाता वा, 19 से लेकर 25,000 के बीच, तो वो जिहड़ा ये बीजा नहीं गया, तो वो नाल की है कि बारिश पैन के नाल साडी जी हुण जी जी बिजाई का काम जिहड़ा वा वो रफ्तार फड़ गया, जिहदे नाल कि किसानां नूं काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि जो बारिश नहीं पैंदी तो फिर जिहड़ा वा हाँ जिहड़ा वा जिन्नी बारिश लेट हो जाएगी उन्नी तुहाडी कणक जिहड़ी आ फसल जिहड़ी आ बिजाई जिहड़ी लेट होएगी, तो बिजाई लेट होने नाल जिहड़ा वा झाड़ ते जिहड़ा बड़ा फर्क पैंदा वा। सो यह उम्मीद है कि इस वेले जिहड़ी आ बड़े टाइम से जिहड़ी आ वो जिहड़ी बारिश पई आ, भरवीं बारिश पई है, तो उहदे नाल की है कि साडी जिहड़ी फसलों की बिजाई रहिंदी आ वह सारी लगभग जिहड़ी आ एक हफ्ते दे विच जिहड़ी सारी हो जाएगी। वो खास करके जी दालां ने, दालों के नाल भी जिहड़ा पानी चाहिए ही, तेल बीज फसलों सरों ने, सरों आ उहदे विच भी पानी चाहिए ही, सो वो जिहड़ा बड़ा वधिया किसानों राहत मिली है, ये जिहड़ा वा पानी जिहड़ा वा वह पानी जिहड़ा वा किसान जिहड़ा खेतों में जिहड़ा वा लग गया, तो जिहड़ी बिजाई जिहड़ी आ वह लगभग साडी जिहड़ी आ काफ़ी हो जाएगी। सो इहदे विच मैं एक फिर बेनती कर दूँ किसानों नूं भी बेनती करदा कि खेतीबाड़ी विभाग कोल बीज इस वेले सबसिडाइज्ड रेट के उत्ते जिहड़ा वा वह उपलब्ध है, जेकर वह 500 PVW 550 जिहड़ी उन्नत किस्म आ वह, क्योंकि लेट थोड़ी जिहड़ी आ वह 30-31 नवंबर तक भी बीजी जा सकती है, तो वह बीज जिहड़ा वा वह अपने महकमे को लै सकता वा। दूजी ये कि हल्ले कि हुण अगले दिनों जो बारिश पै गई है तो धुंध पैन का जिहड़ा वा वह थोड़ा जिहा रहेगा भी धुंध पेगी, धुंध क्योंकि जिहड़ी कणक की फसल वास्ते बहुत वधिया वा, कोहरा बहुत वधिया रहिंदा वा, क्योंकि जदों जिहड़ी कणक इहो जिही फसल आ जिन्नी इहनूं जिहड़ा वा कोहरा ते जिहड़ी ठंड पेगी ये जिहड़ा फला जिहड़ा इहदा वधेगा, इहदा बूटा जिहड़ा तगड़ा होएगा, तो जेकर ये टैंपरेचर जिहड़ा जे जिदा हुण ठंड वधी है, जे ठंड ना वधी तो साडी जिहड़ी कणक दे उत्ते जिहड़ा फसल दे असर जिहड़े होणे कि वह जल्दी उहदी जिहड़ी ग्रोथ होणी है, तो हुण इह सानूं फायदा हो गया कि जिहड़ी जिहड़ी ठंड वधण दे नाल उहदी जिहड़ी आ वह ग्रोथ जिहड़ी आ उह बूटे झाड़ जिहड़ा वो वध फैलेगा, तो इहदे नाल धुंध जदों धुंध ते कोहरा पएगा उहदे नाल भी जिहड़े कणक दी फसल दे उत्ते झाड़ दे जिहड़े फर्क जिहड़ा वा वह काफ़ी फर्क पैण दी संभावना वा। सो दूजी गल है कि जिहड़ी कमाद दी फसल है इस वेले जिहड़ी खड़ी आ फसल जिहड़ी लगभग तैयार है इस वेले, क्योंकि जिहड़ी मिलां भी आए हफ्ते 10 दिन के चलन तैयार ने, तो वो जिहड़ियां गेतियां किस्मां ही जिहड़ियां गेतियां बिजाई की ही वो नुकसान इस नेरी च नेरी चलन के नाल बारिश पैन के नाल ये होया
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਚੂਹਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਮੂਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਿਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਹੋਈ ਆ ਫਸਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਸਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਗਜ਼ ਦੂਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਭੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਬਹੁਤਾ ਗਰੇਜ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕੇ ਆਰ ਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ।